नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग गैलेक्सी A14 ये मॉडल है। आप देख सकते हैं कि 5G है, 6/128 जो रैम वाला फ़ोन है वो वाला ये फ़ोन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, रिंगर वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग और ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल सकते हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का जो है, अगर आपको सेटिंग करनी है तो सबसे पहले कॉलिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। जिस तरीके से हमने क्लिक किया है यहाँ पे, तो ये हमारे नंबर है, यहाँ पे 3 डॉट का निशान जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले नीचे आना है सेटिंग पे। तो सेटिंग पे हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे ब्लॉक नंबर, तो यानी कि कोई भी नंबर हमको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे इस पे टिक कर देना ओके, और नीचे यहाँ पे नंबर डाल के आप ओके कर देंगे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हमको कोई भी नंबर ब्लॉक नहीं करना है तो हम इसको हटा देंगे, यानी कि इसको अनब्लॉक कर देंगे। तो बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद देखेंगे आप, नीचे लिख के आ रहा है रिकॉर्ड कॉल्स, तो वहाँ पे हमने क्लिक किया है तो शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, तो यानी कि जब भी आप पे रिकॉर्डिंग करेंगे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग बात करते समय पे, तो अगर ये नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है तो आपके स्क्रीन पे भी नोटिफिकेशन दिखता रहेगा, और अगर इसको ऑफ रखेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग होती रहेगी। ऑटो कॉल रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो ऑटो कॉल अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ऑटो कॉलिंग अपने आप नहीं होगी, और इसको ऑन कर देंगे तो अपने आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो नीचे क्लिक करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग की हुई है वो आप शो कर जाएगी यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं थोड़ी अदर कॉल सेटिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड कॉन्टैक्ट विदाउट नंबर, तो यानी कि जो भी फ़ोन आता है हमारे पास तो उसका जो है नंबर शो नहीं करता है, तो अगर वो करना है तो आप क्लिक करके रखना है इसको, तो ये नंबर जो है दिखता रहेगा। तो इस तरीके की कुछ सेटिंग है ये। तो चलिए, यहाँ पे ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको बैक कर देते हैं। तो चलिए ये कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में एक बार फिर से जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित हैं, तो इनको हम बंद या चालू कर सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को, तो ये इसका ऑप्शन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।